बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 1984 के सिख दंगों को लेकर कमलनाथ पर प्रहार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि 1984 के सिख दंगों को भड़काने वाले कांग्रेस नेता सज्जन कुमार जेल में हैं। एक और आरोप पर सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर ली है, अब कमलनाथ की बारी है, इन पर भी जल्द कार्रवाई होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 1984 के सिख दंगों ने भारत को झकझोर कर रख दिया था। इन दंगों में एक नहीं हजारों लोगों की बेरहमी से मौत हुई थी, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर उनकी हत्या की गई थी। सिख दंगों की जांच के लिए एक कमीशन भी बनाया गया। उसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिन्होंने दंगों को भड़काया था वो आज जेल में है, और दूसरे कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर जो नेता कम गुंडों की भूमिका में ज्यादा थे उनके खिलाफ भी सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर ली है, वो जेल में होंगे। अब कमलनाथ की बारी है, नाथ पर भी दंगों को लेकर संदिग्ध आरोप लगे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, आपसे मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है, आपने क्यों षड्यंत्र कर लोगों के जीवन के साथ खेला है। भारत के अंदर एक ऐसा घटनाक्रम जो पूरे भारत को झकझोर देता है कि 84 के सिख दंगों में एक नहीं हजारों लोगों की नृशंस हत्याएं, जिस प्रकार से हजारों लोगों पर आक्रमण किए गए थे, कई लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसका जो एक कमीशन बना था, उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई की इंक्वायरी में एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने इन दंगों को भड़काया था वो सज्जन कुमार जेल के अंदर हैं, दूसरे श्रीमान जगदीश टाइटलर जो लोग नेता कम गुंडिज्म की भूमिका में ज्यादा इस देश के अंदर रहे, सीबीआई ने कल उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की है, जल्दी ही जेल के सीखों में होंगे। और मैं जरूर ये बात कहना चाहता हूं कि इन्हीं दंगों के आरोप में सस्पेक्टेड जिनके ऊपर आरोप है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी, आपके हाथ 84 के दंगों के खून में सने हुए होने का आरोप आपके ऊपर है, और जल्दी ही आपको भी सीबीआई से लेकर के जो एजेंसी काम कर रही हैं, जल्दी ही आप के खिलाफ आपके ऊपर जो आरोप हैं वो तय होंगे। और आपको मध्य प्रदेश की जनता तो जानना चाहती है कमलनाथ जी कि आपने इस प्रकार का षड्यंत्र सिख दंगों के अंदर जो किया, मध्य प्रदेश की जनता भी आपसे सवाल पूछना चाहती और पूछ रही है। वीडी शर्मा के आरोप के बाद कांग्रेस के किसी बड़े नेता की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने वीडी शर्मा को नसीहत देते हुए कहा कि वीडी शर्मा अपने आप को देखें और न्यायाधीश बनने की कोशिश ना करें। जो वीडी शर्मा जी है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही पंचायती राज का चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, पूरी तरह से वो असफल रहे हैं। और आज आए दिन जहाँ भी कमलनाथ जी का प्रोग्राम हो रहा है पूरे प्रदेश में, आज भोपाल मुख्यालय में भी बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी की सदस्यता की है। एक नाकाम व्यक्ति इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधा हो, अपने सगे ससुर को एक एक से पढ़े लिखे योग्य प्रोफेसरों को दरकिनार करते हुए वाइस चांसलर के पद पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जिसने नियुक्ति कराई हो, उससे इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। बाकी जो उनने कमेंट्स किया है ये माननीय न्यायालय का काम है। वीडी शर्मा न्यायाधीश नहीं बने, जो जिम्मेदारी है अपने पार्टी का काम करे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की हैं, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।